रूपा जोशी द्वारा मुंबई इतिमलार पश्चिम मालेदार वाड़ी नंबर 2 के भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर की शुरुआत सांसद गोपाल शेट्टी की मौजूदगी में की गई, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंच कर रक्तदान किया। रक्तदानों को सांसद गोपाल शेट्टी और गुजराती सेल बीजेपी मलाड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। मलाड भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा गुजराती सेल है, वो गुजराती सेल के माध्यम से चंदू भावेला भावेश चंदूलाल दोषी जो है, उन्होंने यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया वासुदेव सोसाइटी की ओर से। और इस सोसाइटी के कार्यक्रम में बड़े पैमाने में हमारे बहनों ने भी भाग लिया, भाइयों ने भी भाग लिया। एक कौटुंबिक वातावरण में इतना अच्छा बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन करते हुए आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देने का काम इन्होंने किया, इसलिए सांसद के नाते मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और सारे समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करते रहिए। आज का आपका छोटा काम किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा, वरदान होगा। इतनी बड़ी ताकत रक्तदान में है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेडिकल कैंप तो करना था क्योंकि ब्लड की बहुत कभी कभी किल्लत हो जाती है, और जो डोनेशन करता है उसके लिए भी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो 3-4 महीने में एक बार तो डोनेशन करना चाहिए। उसका दोनों फायदा है, एक तो जो आगामी दिनों में किसको चाहिए तो उसको काम आएगा, और जो डोनर भी दे रहा है तो वो भी उसकी तंदुरुस्ती बढ़ जाती है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अपने को ऐसे सारे कार्य करने चाहिए जो सोसाइटी के लिए बहुत लाभ दिए है। टारगेट तो हमारा 100+ है, लेकिन अभी आए दिन हर हफ्ते दो तीन जगह पे हमारे जो जैन समाज विशेष करके है वहाँ पे हो ही रहा है ब्लड डोनेशन कैंप। तो एक बार एक डोनेट करने के बाद 3 महीने अपने को गैप रखना, अंतराल रखना पड़ता है। तो टारगेट से तो मेरे ख्याल से 1 बजे तक हो जाने चाहिए 100+ टोटल। रक्तदान माँ दान है, और जो भी सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ही हेल्दी रहेंगे उनको करना ही चाहिए रक्तदान, कि एक बॉटल में से 3 जन की जिंदगी बचती है। तो रक्तदान 3-4 महीने में एक कैंप करना ही चाहिए, इससे कि जो हेल्दी रहेंगे उनको रक्तदान कर सकते हैं। गोपाल सेट्टी बीजेपी वालों को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं तो वो अच्छा है करके। हमारे वो माननीय सांसद है, लोग लाड़ी ले हैं, वो आते हैं तो ऑफकोर्स बहुत गर्व महसूस होता है, और करने की, और उनकी प्रेरणा से हम लोग ने बहुत काम किए। तो आज रक्तदान का भी आयोजन उनकी प्रेरणा और आह्वान से ही किया था, और ऐसे रेगुलर हम लोग करते रहते हैं। ये भावेश भाई जो कर रहे हैं अवेयरनेस ब्लड डोनेशन के बारे में, इसमें बहुत बड़ा कैनवासिंग और बहुत बड़ा ये अपना ये है, उससे लोगों को भी जागृत होगा कि भाई ब्लड डोनेशन करना चाहिए, और ब्लड डोनेशन करने से अपना ब्लड का भी ये अपना ब्लड साफ हो जाएगा और लोगों की ज़िंदगी भी बचेगी आगे। तो ये भावेश भाई हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने पहले भी ये काम बहुत किया हुआ है, और समाज सेवा में ये भावेश भाई हमारे तत्पर हमेशा आगे रहते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल था, इससे कम से कम 100 से 150 लोगों की जान बचेगी। इधर हमने ब्लड डोनेशन के अलावा आई चेकअप और रूटीन फिजिशियन चेकअप भी किया है, जिसमें बहुत लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आँख की बीमारी, बहुत सारा डायग्नोसिस हुआ है। और इसके माध्यम से मेन ये कैंप का जो एम है वो है अवेयरनेस क्रिएट करना। तो बच्चे लोग देख रहे हैं, नया जनरेशन देख रहा है, अवेयरनेस होगा, और उससे ही अवेयरनेस के माध्यम से जो भावेश भाई काम कर रहे हैं उससे अपने जैन समाज से बहुत हेल्प होगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। डर किस बात का? डर ब्लड डोनेट करने का ये है कि मेडिकली, आज मैं एक खुद डॉक्टर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लड डोनेट करने से जो डोनर है उसका भी फायदा है। 3 महीने में अपना बॉडी जो खून होता है, जो 300-350 ml जाता है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो डोनर का भी फायदा है, और साथ में जो 3 लोगों की जान बचती है उससे बहुत दुआ भी होती है।